अभी व वी के शर्मा साहब का बेजोर खेस से सम्मान करेंगे पिछले तीन दिनों से हम क्राइसिस के बारे में और उससे उसका समाधान कैसे किया जाए कामनेस एक शांति की स्थिति के द्वारा तो उसके बारे में हम सभी सुन रहे हैं बहुत सारे सेशंस हो गए सारे ही सेशंस में अलग अलग प्रकार के जो क्राइसिस है हमारे जीवन के अंदर में इंडिविजुअल लेवल पर सोशल लेवल पर या तो कहे कि नेशनल और ग्लोबल लेवल पर ये सारे जितने भी क्राइसिस हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन रहा हुआ है अभी आज हमारा ये लास्ट सेशन है जो वलेडिक्टी सेशन तो उसके अंदर में अभी हमारे पास में वी के शर्मा साहब आए हुए हम सभी सर्वप्रथम तो आपका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे आपने एम बी ए किया हुआ है आपने बिरला रिलायंस गुजरात पेट्रोलियम में टॉप मैनेजमेंट केडर में वर्क किया हुआ है फिर रिटायरमेंट के बाद में आप कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं और अहमदाबाद में अभी स्थाई हुए हैं आप ज्ञान में पैंतीस साल से चल रहे हैं आपने ज्ञान सिंगरोली से लिया हुआ है भोपाल जोन में तो वहाँ पर लिया हुआ है आपके बहुत सारे सेशंस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में भी रहे हुए हैं एज ए स्पीकर आपने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस आबू के अंदर में भोपाल के अंदर में पार्टिसिपेट किया हुआ है आज हम आपका अनुभव सुनेंगे आपका बहुत ही अच्छा सा अनुभव है पूरे ही जिंदगी का ऐसे ही कहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने जो कार्य किया है हाउ टू हैंडल द बिग क्राइसिस एंड डिजेस्टर्स उसके बारे में हम सभी आपका अनुभव सुनेंगे वी के शर्मा सर ओम शांति साथियों आप सब लोगों तीन दिनों से क्राइसिस के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं समझ लिया आपने कि क्राइसिस क्या है कैसे है क्यों होता है कहाँ होता है कैसे उससे पार पाया जा सकता है और हम किस तरह उसको रिजोल्व कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं आज मैं उस थ्योरीटिकल पोर्शन पे उस पर ना जाके मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाऊंगा मैं आपको जनरली क्राइसिस दो तरह के हैं एक मैनमेड और एक नेचुरल क्लाइमे क्राइसिस मैंने दोनों ही को बड़ा नज़दीक से झेला है और उनको सॉल्व भी किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ जैसा आपको पता है सर कि एक हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें मैंने काम किया था वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यूपी में ए इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है और उसको पावर सप्लाई एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए तो पावर सप्लाई के लिए उन्होंने अपना एक डेडिकेटेड पावर प्लांट लगा रखा है उसका नाम है रेणु सागर पावर प्लांट मैं बात बता रहा हूँ नाइनटीन की तो उस समय वहाँ पर यूनियन का बहुत बड़ा बोलबाला था और यूनियन वालों ने वहाँ के पावर प्लांट का जो कंट्रोल रूम है उसको हाईजेक कर लिया और पावर सप्लाई बंद कर दी हिंडालकों को और पावर में ये रहता है कि अगर तीन घंटे पावर सप्लाई नहीं मिलती है तो उसके पॉट्स जो होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम का जो लिक्विड रहता है वो पॉट जाम हो जाएंगे और उसको रिट्रीव करने के लिए कम से कम छः महीने का टाइम लगेगा और कई सौ करोड़ करोड़ का लॉस हो जाएगा उनका पर्पस वही था वो वही हुआ हिंडालको को सप्लाई बंद हो गई और पावर प्लांट उनके पार जो प्लॉट थे उसके पॉट्स थे वो सब जाम हो गए उस समय मेरे को बिरला जी ने बुलवाया और मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन है कि आप हमारे यहाँ एक काम कर सकते हैं उन्होंने कहा ठीक है सब करेंगे हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम वहाँ गए देखा सिचुएशन को हैंडल किया वो 21 लोग थे यूनियन वाले जिनके ऊपर ये केस हुआ कि इन्होंने ये काम किया हाईजेक किया पावर प्लांट को दोबारा रिट्रीव किया गया लेकिन उस पावर प्लांट को रिट्रीव करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ बिजली जानी थी वहाँ पोर्ट जाम पड़े हुए थे इसलिए वो बिजली ले नहीं सकते थे अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई भी इंचार्ज कि इसको कैसे करें आगे क्या करें तो उस टाइम पर बड़ा यंग ब्लड था एकदम मेरे को बड़ा गुस्सा था कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कितना नेशनल लॉस किया इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी के साथ खिलवाड़ किया है हम इनको बख्सेंगे नहीं तो हम स्पेशली जाके उन इक्कीस लोगों के खिलाफ एफ आई लॉज किया और एफ भी लॉज करके उसको नॉट ओनली जनरल एफ आई आर बल्कि उनको टाडा में गिरफ्तार करवाया और यह हाई कोर्ट तक जाके अपील लिया कि टाडा सिर्फ आतंकवादी गतिविधि नहीं है ये आर्थिक आतंकवादी गतिविधि है और हाई कोर्ट ने उस बात को माना और उनको जेल में बंद किया उसके बाद दो तीन महीने तक चलता रहा कार्यक्रम सिस्टम चला इसी बीच मेरी अवधेश बहन जी से मुलाकात हुई जो वहाँ सिंगरौली में आए हुए थे मैंने उनसे मुलाकात करके उनसे पालना ली उनसे कोर्स किया और उनको वहाँ सेंटर खुलवाया हमारे वहीं कारखाने में ही सेंटर खुलवाया और उससे मेरे मन में जो इतना जो जोश खरोश था वो सब दूर हो गया और मन में यह आया कि क्षमा करो क्षमा करो उन लोगों को और हम क्षमा दान सबसे बड़ा दान है मेरे पहले बड़ा इस तरह का क्राइसिस मन में रहा कि यार जिसने करोड़ों रुपए का लॉस किया हम उसको कैसे क्षमा कर सकते हैं हम मालिक को क्या जवाब देंगे कि क्षमा करने के लिए हम आए हैं क्या यहाँ पे लेकिन फिर भी उनकी पालना का इतना असर हुआ कि मैंने उस बात से गहराई से सोचा और खुद ने जाके जिसने एफ करवा के टाटा बंद करवाया उनको जमानत दिलवा के छुड़वाया उन सब लोगों को ये सब आधार के कारण और उनको समझाया कि देखिए आप गलत रास्तों पे है ये रास्ते आपको काम नहीं कर पाएंगे आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे आप अपना भविष्य के लिए सोचिए इधर मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि साहब देखिए ऑपरेशन जैसे कैंसर हो गया तो उसका ऑपरेशन ही करना है यह कैंसर की तरह है इस बीमारी को छुटकारा दिलवाई जि, कि जिस तरह भी छुटकारा मिले आपको आप पैसा दीजिए उनको किसी तरह का लालच दे के कैसे भी यहाँ से निकलवाई तो उन लोगों को एक जिसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन वाली सिचुएशन पे उनको वहाँ से निकलवाया उनका सबका किसी का कारोबार इस्टाब्लिश किया और वो जो उनका यूनियन का लीडर था वो कंवरा था उसकी शादी करवाई तो वो अपने रस्ते लग गया और वहाँ से यूनियन से छुटकारा मिला ये हुआ एक मैन मेड क्राइसिस अब उसी पावर प्लांट में एक होता है हमारे यहाँ पावर में जिसको बोलते हैं टर्बाइन जो चलती रहती है तो वो कई बार क्या होता है जब ग्रिड से कनेक्टेड रहते हैं तो ग्रिड में डिस्टर्बेंस आता है तो हमको आइसोलेट करना पड़ता है पावर प्लांट को हमारे से कि ताकि हमें नुकसान ना हो और वो जो टर्बाइन है वो कंटिन्यूस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आर पी एम पर कंटिन्यूस रन करती है अगर आपने अचानक उसको रोक दिया तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और रोटर बाहर निकल के आ जाएगा तो उसको कंटिन्यूस रखने के लिए हम एक बोलते हैं बियरिंग ऑयल सप्लाई पम्प उसको ऐसा रखते हैं कि वो पंप हमेशा सप्लाई करता रहे उसको ऑयल की ताकि वो टर्बाइन घूमती रहे और उसका कोई नुकसान ना हो उस पंप जो ही हम आइसोलेट होते हैं ग्रिड से तो एक सारी बटन बंद हो जाती है बिजली होती नहीं आइसोलेट होते ही सिर्फ एक डीसी पंप को चालू करना पड़ता है डीसी स्विच अंधेरे में कुछ दिखा नहीं वो स्विच बंद हो गया वो चालू वो भी बंद हो गया वो टरबाइन फेल हो गई एक ही पम्प इस बियरिंग ऑयल पम्प से चार बार हमारा नुकसान हुआ वहाँ पर एक बार ये हुआ दूसरी बार हमने उसको दूसरे सिस्टम पर किया कि हम दो स्विच का करेंगे कि कोई एक स्विच तो दबेगी वो भी नहीं हो पाया तीसरी बार फिर हुआ ऐसा ही नुकसान तब हमने फिर उन जितने प्लांट वाले लोगों की थी स्पेशल हमारे अवधेश भेन जी का जो सेंटर खोला था उनमें उनकी ट्रेनिंग करवाई एक महीने की छुट्टी दिलवा के, के कंटिन्यूस तुम प्लांट में नहीं आओगे तुम यहाँ ट्रेनिंग करोगे और उस ट्रेनिंग का इतना हुआ कि कोई हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो कोई और हो घर से फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी बीमारी से फ्रस्ट्रेटेड हो आज के बाद तीस साल में आज तक वो पंप कभी फेल नहीं हुआ और कभी भी हमारा टर्बाइन का नुकसान नहीं हुआ ये इस योग की पावर बता रहा हूँ मैं कि आपको कितना योग की पावर होती है उसके बाद मेरा वहाँ से रिलायंस ज्वाइन करना हुआ और रिलायंस में उस टाइम पे नाइन्टी से एट की बात है बहुत बड़ा साइक्लोन आया था हम पूरी फैक्ट्री लगाने के फिर उस पर थे कि कभी भी चालू करेंगे लेकिन उस तूफान ने तहस नहस कर दिया पूरा जो ऑयल बड़े बड़े टैंक होते थे जो फुटबॉल के मैदान की तरह के टैंक होते थे वो एकदम पिचक के पापड़ बन गए सारे प्लांट की जो शेड होते हैं वो सब उड़ गए अब तय हुआ कि अब क्या करें वहां डिसीजन काम आया मुकेश अंबानी खुद आए, हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि साहब ये तीस हजार लोगों की फौज जो यहाँ है, इनके पास कोई काम नहीं होगा और ये डिस्टरबेंस रहेगा हमें काम करने में मुसीबत होगी उन्होंने बोला क्या करना चाहिए हमने वहां मैनेजमेंट का डिसीजन लिया सब लोगों को पहली बार आपने सुना होगा कि उनको टिकट करवा के दिन सबको अपने अपने घर भिजवाया कंपल्सरीली कि सब अपने अपने घर जाओ आराम करो दो महीने तक यहाँ नहीं आना दो महीने बाद आना सारे वर्कर खुश हो गए सब अपने अपने घर चले गए और दो महीने के अंदर अंदर हम सब तेईस वाइस प्रेसिडेंट थे पांच प्रेसिडेंट थे सबको फुल पावर दे दी कि हमें वापस बैक टू सेम सिचुएशन लाना है और जहाँ जो चीज़ मिले कोई बार्गेनिंग नहीं कोई कुछ नहीं जहाँ सीमेंट मिली वहाँ सीमेंट क्रेन मिली वहाँ क्रेन जो इक्विपमेंट मिला वो इक्विपमेंट लाके और डेढ़ महीने के अंदर अंदर उस सेम पोजिशन पर हम खड़े हो गए ये लीडरशिप की और उसकी क्वालिटी का बात है उसके बाद मेरा सौभाग्य हुआ गुजरात गवर्नमेंट को पी एस ज्वाइन करने का और वहाँ पर एक साल के बाद ही एक वहाँ के गुजरात का सबसे बड़ा काला दिवस कहूंगा मैं 26 जनवरी के दिन 2001 में बच्चे 26 जनवरी मना रहे थे और एक बड़ा भूकंप आया 7.2 पॉइंट टू स्केल का 300 बच्चे अंजार में भारत माता की जय बोलते हुए जा रहे थे दोनों तरफ से दीवारें गिरी वो वहीं दफन हो गए मन को इतना दुख हुआ कि इन बच्चों की क्या ये तो नए बच्चे आए अभी कोई पाप भी नहीं किया होगा इन्होंने तो क्या हुआ कैसे हुआ है वो बात की तो इतना मन द्रवित हुआ तो सबसे पहले मैंने और मेरे एम ने मिल कर के गवर्नमेंट को पचास लाख रुपये का चेक दिया तो उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई खाता ही नहीं है डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए हम कहाँ लेंगे इस चेक को मैंने कहा खाता खोल दीजिए हम ही खुलवाते हैं खाता सबसे पहले वो चेक दे के वो चीज़ करवाया और हम वी वर द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर चार जगह पे वहाँ पे आया था ये भूकंप रापर बचाऊ अंजार और कच्छ मतलब सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई एकदम ग्राउंड पे एक बिल्डिंग नहीं बची वहाँ पर देख लीजिए वहाँ तक पहुँचना इतना भारी था कि कहीं खेतों में से होकर गाड़ी को लेके जाना पड़ा था वहाँ तक पहुँचने के लिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर वापस आए चीफ मिनिस्टर से मीटिंग किया उनसे सारी बातें तय की कि आगे क्या करना चाहिए तो उसमें से एक सिटी जो थी अंजार उसका मेरे को और मेरे एमडी को इंचार्ज बनाया गया मैं सेक्रेटरी था अब वहाँ पर जिन लोगों की हालत देख के मतलब खाना नहीं खाया जा सके पानी नहीं पिया जा सके इन हालत में लोग हो गए थे तो हमने तुरंत फॉरेन एजेंसी से ट्राई अप किया उनके ट्रक के ट्रक भर भर के आए इतनी मदद मिली कि आ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं और सबसे जल्दी हमने सबसे पहले यह काम किया कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए स्वामीनारायण वालों से डिस्कस किया उन्होंने टेंट लगाए टेंट सिटी बना दिया गया उन लोगों की व्यवस्था की गई पूरी की पूरी और बाहर से इतनी अच्छी अच्छी मेडिसन्स आई लाइफ सेविंग मेडिसन्स लेकिन हमारा दुर्भाग्य मैं यही कहूँगा कि हमारी मैंटिलिटी कैसी है डॉक्टरों ने आकर के वो सारी मेडिसिन उठा के ले गए और बाजार में बेचती उसको ब्लैक में बहुत दुख हुआ इस बातों को सुन के इनमें क्या मानवता बची है इन लोगों में क्या करते हैं तब हमने पूरा कंट्रोल किया सीआरपीएफ को बुलवाया और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ कि सूट एंड साइट के ऑर्डर दिए हमने कि अगर कोई आदमी इस तरह की लूटपाट करने की कोशिश करता है इस तरह का गलत काम करता है आप सूट कर सकते हैं उस आदमी को यहाँ तक का ऑर्डर हमको निकलवाना पड़ा उन लोगों के लिए सबसे पहले हमने डी बनवाया पहले ऑर्डर किए और सब पूरा नक्शा बनवा के गवर्नमेंट से पास करवाया उसको और नई सिटी बनाने का पूरा इंतज़ाम किया अब वहाँ के लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि आप कौन होते हैं हमें यहाँ से हटाने वाले आपकी क्या औकात है आपकी क्या अथॉरिटी है हम तो यहाँ से इतने हज़ारों सालों से रह रहे हैं आप कैसे निकाल सकते हैं हमको यहाँ से हमें वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष धीरू भाई शाह ने बुलवाया कि भैया क्या बात है तुम क्यों इनको वहाँ से हटाना चाहते हो क्या दिक्कत है तो हमने कहा देखिए सर ये हमारा सब्जेक्ट है मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हूँ ज़मीन में खुदाई करके हमें पता है कि ये ज़मीन किस तरह की ज़मीन है ये आपकी कच्ची ज़मीन है आप कभी भी मकान बनाएंगे ज़रा सा भी भूकंप आएगा पूरा मकान बैठ जाएगा आप इस जगह पे बिल्कुल मकान मत बनवाइए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और आपको अगर ये अंदेशा है कि मैं मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है मेरी एक इंच भी ज़मीन मैंने नहीं खरीदी है यहाँ पे और हम इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं साउथ में जहाँ पे रॉक है नीचे और वो बेस इतना अच्छा बेस होगा उनका कि वो कभी भी अगले सौ साल तक भी ये हिलने से कुछ भी हो जाएगा कभी कोई खराबी नहीं होगी कभी कोई जान आने का नुकसान नहीं होगा ये बात सुन के उन्होंने भी गांव वालों को डाटा और उन्होंने बोला नहीं ये इनका सब्जेक्ट है ये जो कह रहे हैं वो करने दीजिए इनको और तभी ठीक होगा एक साल के अंदर अंदर हमने सारा काम सही किया उनको बिल्डिंगें बनवा के दी लोगों को शिफ्ट किया वहाँ पे और जगह जहाँ पे ये आया था मेन कैजुअलिटी हुई थी उसको राजीव चौक नाम के करके एक वहाँ पार्क बनवा दिया गया लोगों के लिए और सुविधा दी गई तो इस तरह का ये जो कंपेसिट मतलब आदमी दया भावना के साथ ये सारी चीज़ें मैं आज भी मानता हूँ कि ये सब बाबा की कृपा थी उन्हीं की वर्धस् की उन्हीं की कृपा दृष्टि से ब्लेसिंग से ये सब काम मैं कर पाया थैंक यू बहुत ही बहुत ही अच्छा सा अनुभव इतने सारे डिजेस्टर्स जो कि बड़े बड़े हुए मैनमेड भी थे और नेचुरल डिजेस्टर्स भी थे उसके अंदर में किस प्रकार से एकदम शांति से कार्य किया जाए और कुछ डिसीजंस लिया जाए उसके आधार पर कार्य करके सबको सलवेशन दिया जाए ये बहुत ही अच्छा सा आपका अनुभव रहा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका अभी हम सभी ने यहाँ पर पिछले तीन दिनों से बहुत कुछ सुना हुआ है ये हमारा भट्टी का प्रोग्राम था भट्टी में टॉपिक इस प्रकार के रखे हुए थे लेकिन फाइनली हमारा एम तो वही था कि हमें कामनेस शांति की प्राप्ति तो ये जो एम रहा वो कितना सफल रहा वो आपके अनुभव से हम वो जज कर सकते हैं तो आप में से कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा अनुभव सुनेंगे एक दो का यहाँ पर आप में से जो भी अनुभव सुनाना चाहते हैं थोड़ा सा हाथ रेस करेंगे और शॉर्ट में दो मिनट में ही आपका अनुभव हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा अच्छा पहले सर साहब कहते हैं किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में जो आपने सुनाया उसके बारे में किस प्रकार से तो भी कर सकते हैं अनुभव सुनाना चाहे वो भी अनुभव सुना सकते हैं इसके बारे में हमने ये जो प्रोग्राम किया उसके प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या अनुभूति हुई क्योंकि मेडिटेशन सेशंस भी उसमें चले हुए हैं तो मेडिटेशन सेशंस के अंदर में जो भी अनुभूति किया और ऐसे डिजिस्टर्स खुद के जीवन में भी कुछ क्राइसिस आते होंगे जो क्राइसिस को किस प्रकार से पार किया जाए वो भी हमने यहाँ पर सुना उसको भी जीवन में किस प्रकार से उतारेंगे ऐसा कोई विचार आया हो तो उसके बारे में भी सुना सकते हैं कोई है वो सुनाएंगे आप फ्रंट लाइन मनोज भाई आप कुछ सुनाएंगे मनोज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सबसे पहले तो उन बच्चों की वो जो दशा देखी हमने उससे मन इतना व्यथित हुआ जैसा मैंने बताया था आपको कि इन बच्चों का क्या कसूर रहा होगा लेकिन जब बाबा के ज्ञान की बात आई तब लगा कि ये तो इनका एक बाबा का ड्रामा है और ड्रामा अनुसार ये सारी चीज़ हो रही है और उसमें उनका किसी का दोष और गुण देखने की जरूरत नहीं है उस पर व्यतीत होने वाली बात ठीक है बाहर से बाहर बाह्य रूप से होगा लेकिन वैसे देखा जाए उनका तो उनका ड्रामा में रोल इतना ही था ये समझ करके हम ज़्यादा दुखी नहीं हुए उस बात से लेकिन आगे के लिए क्या करना है वो चीज़ सोचने के कदम उठाया कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और ये यहाँ का जो मिट्टी का जो सर्वे करवाया गया सोइल सर्वे करवाया गया कि यहाँ सॉइल कैसी है यहाँ पे किस तरह का मकान बनना चाहिए कहाँ मकान बनाना चाहिए यह चीज़ हमने सरकार के साथ मिलकर के उसको पूर्ण रूप दिया थैंक यू ये जो अर्थक्वेक आया था उसी समय में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए थे गुजरात में से अनेक जगह से कुछ टीम गई हुई थी हमारे बड़ौदा में से ही भी वहाँ पर टीम भेजी हुई थी और वहाँ पर जो गए थे वहाँ पर मेडिकल का भी कैंप लगाया हुआ था मेडिकल का भी वो कर रहे थे उनको दवाइयाँ देते थे वो सारा भी कर रहे थे और उनको रात जो सामग्री दी थी खाने की और वो सारी तो वो सारा भी दे रहे थे इन वहाँ पर एक जो बात देखी तो रियल में हमें भी बहुत ही शौक लगा ऐसे ही कहेंगे कि वहाँ पर आ, एक भाई वहाँ पर बैठे हुए थे पीछे में उनका ही मकान था मकान पूरा का पूरा तीन मजली मकान था जैसे आप बता रहे थे वहाँ की सॉयल बहुत ही सॉफ्ट थी इसलिए पूरा का पूरा मकान ही अंदर में था ऊपर में सिर्फ तेरेस ही दिखती थी और उनके वहाँ पर ही बाहर में बैठे हुए थे तो अब हमने वहाँ पर जा कर के उनको खाने के लिए एक पैकेट दिया तो उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गया कि कैसी कंडीशन आ गई है मेरी मैं कल तक एक करोड़पति था और कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर रोड पर बैठा हुआ हूँ रोडपति हो गया हूँ तो कैसी कंडीशन कभी भी मैंने ऐसा ही किया हुआ है अभी तक मैंने और आज का एक समय आ गया है कि जैसे हाथ को मुझे ऐसा करना पड़ता है बहुत ही द्रवित हो गए थे तो वो सुना तो थोड़ा सा हमें भी लगा तो कि कैसे कैसे कंडीशन में ला देता है ये नेचुरल कैलमिटीज़ भी कि किस कंडीशन से किस कंडीशन में लोग पहुंच जाते हैं छोटा सा वाक्य और बताना चाहूँगा जैसा आपने बताया वहाँ एक परिवार था जो, जो राजपूत परिवार बोलते हैं हम उनको दो तीन दिन तक वो मकान से नीचे नहीं आए और कोई राहत सामग्री नहीं ली कोई खाना नहीं लिया तो हमें किसी असिस्टेंट ने आके बताया कि सर उस मकान में गिरा हुआ मकान है उसमें एक फैमिली रह रही है लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्या बात है वजह क्या है मैं खुद गया उनके पास में तो वो जो बात बताई भाई साहब ने वही सेम कहानी थी उन्होंने यही बोला कि हम तो यहाँ के रजवाड़े हैं आज हम किस मुँह से वहाँ नीचे आपका राहत सामग्री मांगने जाएँ तो आपने उनको बड़ा प्रेम से समझाया कि नहीं साहब आप उसको आप दान मत समझिए ये बाबा भेज रहे भगवान भेज रहे हैं आपके लिए भेजा है और आपकी अगर आपको वहाँ आने में कोई दिक्कत है मैं ऐसा रखाना यहाँ पहुँचाता हूँ आपके लिए तो इस बात से वो बड़े प्रभावित हुए और नीचे आके फिर पार्टिसिपेट करने चालू कर दिए और वहाँ पर इतने जो सामग्री आई थी राज सामग्री अथा सामग्री थी ऐसा नहीं कि कोई देने वालों की कोई कमी थी तो एक समय तो ऐसा था कि लेने वालों की कमी हो गई कि, कि कितना दे के फिर हमको कहना पड़ा कि नहीं इस सिर्फ हमें दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ भेजिए बाकी चीज़ें मत भेजिए क्योंकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है तो ऐसे भी लोगों की सेंटीमेंट्स थे उस टाइम पे थैंक यू सर और किसी को कुछ कहना हो तो, तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मा कुमार दिनेश भाई को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपने इनका कल सेशन सुना हुआ है बहुत ही अच्छे सी कमेंट्री के साथ में जो योग करा रहे थे बहुत ही सबको उड़ा दिया था उन्होंने बहुत ही अच्छे से कमेंट्री भी किया हुआ है अभी धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे ब्रह्मा कुमार दिनेश भाई जो कि ज्ञान सरोवर जो हमारी एकेडमी है वहाँ पर ऑफिस संभालते हैं मोहन भाई के राइट हैंड है ओम शांति ओम शांति ओम शांति आप लोग चार दिनों से ये भट्टी का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और सबके चेहरे से और खुशी से अनुभव हो ही रहा है कि सबको बड़ा अच्छा लगा होगा सबको अच्छा लगा हाथ उठाइए वेरी गुड किसी को कोई कमी नज़र आई हो या अच्छा नहीं लगा हो वो भी हाथ उठा सकते हैं तो देखो सब अच्छा ही बोल रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी बात है कि सभी के पार्टिसिपेंट से ये कार्य सफल हुआ है क्योंकि जहाँ स्पीकर्स को की मतलब आवश्यकता पड़ती है तो वहीं पर श्रोतागण भी होने चाहिए मान लिया स्टेज पर तो लोग हैं सुनाने वाले लेकिन सुनने ही वाले नहीं हैं तो बात बनेगी तो इसलिए आप लोग जो इतनी दूर दूर से आए हैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने लोग आए हैं और सब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं मैंने देखा सब अच्छी तरह अटेंड कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले तो हम इस संस्था का जो कायदा है बाबा को धन्यवाद देंगे कि बाबा ने कहते हैं रचा है जिसने इतना सुंदर ये जो खेल रचा है उसी में आप सब भी पार्टिसिपेंट हैं है? पार्ट बजा रहे हैं तो फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हमारे बड़े हैं वो भी सब देखो प्रोग्राम की अनुमति नहीं मिलती है तो होगा प्रोग्राम नहीं होगा तो जो अनुमति देने वाले हैं जैसे मुन्नी दीदी हैं या कई हमारी दादियाँ हैं उनका भी बहुत धन्यवाद है फिर हमारी इस विंग के जो चीयर पर्सन हैं आदरणीय है मोहन सिंगल भाई जी जो कई महीने से इस कार्य में लगे हुए थे हैं? उनको हमें पता है कई बार ये चिंता थी कि भाई लोग कमाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए काफ़ी चारों तरफ आवाज़ें फैलाई खूब प्रोग्राम का बेगुल बजाया एक तरह से और यहाँ भी सारा अरेंजमेंट जो करके कराया भले करा करने वाले दूसरे होते हैं लेकिन कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना तो वो सब उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद फिर जो यहाँ पर प्रोग्राम में जिन्होंने भी स्पीच किया जिस रिसेप्शन का प्रोग्राम था इनोग्रेशन का तो उसमें मधुरवाणी ग्रुप था साथ में एक कुमारी जो कॉलोनी थी का उसका भी बहुत अच्छा रोल रहा सबको उसने भी लाभान्वित किया फिर हमारे दिल्ली से आए हुए पीयूष भाई जी थे वो भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने भी अपना स्पीच भी दिया रिसेप्शन में भी भाग लिया इसके अलावा मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी जो चीफ गेस्ट थे उस दिन डिप्टी डायरेक्टर जनरल दिल्ली से आए थे उन्होंने भी बहुत शायद होंगे भी उन्होंने भी बहुत अच्छा पार्ट बजाया हमारे दो तीन जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने वीडियो संदेश दिया जैसे कि आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी और सुदेश दीदी जी जो ज्ञान स्वरू की उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी नहीं तो आ जाते वो और दादी रतन मोहनी जी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हैं उनकी तरफ से भी संदेश आया था वीडियो संदेश के द्वारा सबको लाभान्वित किया इसके अलावा जो अश्मिता बहन है वैसे तो उस दिन तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया ही लेकिन पूरे ही सत्रों का तीन चार दिन का कोऑर्डिनेशन बहुत विधि पूर्वक किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद फिर अलग अलग सत्रों में जैसे भारतभूषण भाई जैसे आज वी के शर्मा जी भी आए हैं नरेंद्र पटेल जी और भी कई वक्तागण शायद जिनके नाम शायद नहीं आए हों उन्होंने भी ज्योति बहन शायद आर के पुरम से आई हैं और कई और भी बहनें, उन्होंने भी बहुत अच्छा पार्ट बजाया और साथ में जो सेवाधारी आए हैं उन्होंने भी अपनी अनवरत सेवा दी है डाइनिंग हॉल भी संभाला है और भी कई कार्य किए हैं और साथ में हमारे सामने ये बैठे लाइट साउंड वीडियो फोटोग्राफी वाले विष्णु भाई इन सब ने बहुत ही महती योगदान दिया है तो हम इन सब का दिल से संग धन्यवाद करते हैं ताली बजा करके सब अच्छी तरह से इन सब को धन्यवाद दीजिए ताकि हैं शिवानी बहन ने तीन दिन तक मेडिकेशन भी कराया तो कुल मिलाकर के सब ने अपना योगदान दिया और बहुत अच्छा पार्ट बजाया अभी मैं लास्ट में जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके संबंध में थोड़ा सा टिप्स कुछ देना चाहूँगा उनका डिटेल करने का तो टाइम नहीं है लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं क्योंकि वहाँ जो कुछ बोया जाता है वो बढ़ता ज़रूर है चाहे वे विचार हो चाहे नफ़रत हो या प्यार हो अब वो हमें सोचना है कि हमें क्या उसके अंदर जाना है इसी तरह कहते हैं गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है सब्र अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाइयाँ दे जाता है हमको परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंध काम आते हैं क्या आते हैं काम स्वभाव और संबंध जो ईश्वर के सामने झुकता है ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता ये भी याद रखना है संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता इसलिए कुछ कमियाँ नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें ये नहीं सोचना है कि सब सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं लेकिन कुछ कमियां हर एक अंदर हैं इसलिए हमें क्या करना है कुछ कमियों को नज़रअंदाज करना ही होता है जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें कोई आपका सम्मान करे या ना करे आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी इससे बड़ा सुख जीवन में और कोई नहीं ये सोचो कोई करे ना करे सम्मान लेकिन हमारी अंतरात्मा यदि अच्छा हम कार्य करते हैं तो ज़रूर करेगी मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं जब और जब ये तो हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने की किसी की आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है परिवार के साथ धीरज रखना अर्थात उनसे सही रखना औरों के साथ धीरज रखना अर्थात उनको सम्मान देना खुद के साथ धीरज रखना अर्थात आत्मविश्वास होना और भगवान के साथ धीरज रखना अर्थात उन पर विश्वास करना कितनी अच्छी बात है प्रेम से भरी हुई आँखें श्रद्धा से झुका हुआ सिर सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर कर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को बहुत पसंद है क्या क्या चीज़ें बताई प्रेम से भरी हुई आँखें श्रद्धा से झुका हुआ सर सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए पांव, सत्य से जुड़ी हुई जीव और ईश्वर ईश्वर को बहुत पसंद है रिश्ते मन से बने हैं बातों से नहीं रिश्ते मन से बनते हैं बातों से नहीं कुछ लोग लो बहुत सी बातों के बाद अपने नहीं होते बातें बहुत अच्छी बनाएंगे बना लेकिन अपने नहीं होते और कुछ लोग शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं जीवन एक संगीत है इसे गुनगुनाते रहिए हालात चाहे जैसे भी हों हमेशा मुस्कुराते रहिए कैसे भी हालात हों मुस्कुराते रहिए मिलो किसी से ऐसे कि ज़िंदगी भर पहचान बन जाए पड़े कदम जमी पर ऐसे कि लोगों के दिल पर निशान बन जाए जीने को तो ज़िंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है लेकिन जियो जिंदगी ऐसे कि औरों के होठों की मुस्कान बन जाए सोच का प्रभाव मन पर होता है मन का प्रभाव तन पर होता है तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें हंसते और मुस्कुराते रहें डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है उसी तरह ज़िंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते मगर हौसले पर विश्वास से हौसले और विश्वास से आने वाले पल को ख़ूबसूरत बना सकते हैं मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता रिश्तों का कोई तोल नहीं होता इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता मुस्कराता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और मुस्करा कर किया हुआ हर कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है इसलिए हर कार्य करते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से संजो रखें रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी जिसे दोस्त मिल जाए आप जैसा तो उससे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी जब ज़िंदगी देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती दुनिया में दो पौधे ऐसे भी हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं अगर वो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा टूट विश्वास ओम शांति जी एक लास्ट में खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी तो तुलना में गुजारो तो पस्त है ज़िंदगी इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी मिलती है एक बार प्यार से बिताओ जिंदगी जन्म तो रोज होते हैं यादगार बनो जिंदगी ओम शांति ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ओम शांति